हाय गाइस एंड वेलकम टू सोनीस वर्ल्ड। तो फ्रेंड आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ बहुत ही अच्छी होम रेमेडी जिसे कि आप ग्लोइंग स्किन एंड मिल्की स्किन पा सकते हैं लाइक कैटरीना। वैसे तो एक्ट्रेस जो है बहुत ही महंगे ट्रीटमेंट करवाती है अपनी फेस को ग्लोइंग एंड हेल्दी रखने के लिए, साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा डाइट फॉलो करते हैं जिनसे कि उनकी स्किन काफी हेल्दी और ग्लोइंग रहे। तो आज मैं लाई हूँ स्किन व्हाइटनिंग होम रेमेडी जो आपके घर पे ही आप कर सकते हैं और बहुत ही इजी मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं जो आपके किचन में अवेलेबल हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू गेट ग्लोइंग एंड मिल्की व्हाइट स्किन लाइक कैटरीना। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को फ्रेंड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जितने भी मेरे लेटेस्ट एंड अपकमिंग वीडियोस हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड ये फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले एक चम्मच मिल्क पाउडर। ये मैंने एक चम्मच मिल्क पाउडर लिया है और फ्रेंड मैं इसमें एक छी चम्मच ले रही हूँ चावल का आटा। ये मैंने थोड़ा दरदरा पीसा हुआ है, अगर आप पाउडर फॉर्म में पीसेंगे तो पाउडर फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। तो मैं इसमें डाल दूंगी और हम इसमें डालेंगे टमाटो जूस। हमें फ्रेश टमाटो जूस लेना है, हमें इतना लेना है कि हमें एक फेस पैक की कंसिस्टेंसी मिल जाए। और फ्रेंड मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश टमाटो जूस, हमें इतना डालना है कि हमको एक पेस्ट मिल जाए, अपने फेस पैक मिल जाए। हमारा फेस पैक ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें 3-4 ड्रॉप्स लेमन जूस भी डाल सकते हैं, पर जिसकी स्किन सेंसिटिव है या जिन्हें लेमन सूट नहीं करता वो स्किप कर दें। तो हम सारे इन्ग्रीडियंट्स अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा फेस पैक तैयार हो चुका है और इसको लगाने से पहले आपका फेस पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। जो मैंने आपको कच्चा दूध और नींबू का क्लेंजर बताया था वो यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम अपर डायरेक्शन में अपने फेस पे लगाएंगे। आप चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, बट मैं हाथ से ही लगाना प्रेफर करती हूँ किसी भी फेस मास्क को। पर उसको लगाने से पहले अपना हाथ अच्छे से क्लीन कर लें हैंड सैनिटाइजर से या किसी सोप से। तो इसको हम अपर डायरेक्शन में अपने फेस पे लगाएंगे। अप्लाई टूवर्ड्स अपर डायरेक्शन, अपने फेस पे अपर डायरेक्शन में फेस पैक लगाएं एंड क्लीन योर फेस बिफोर अप्लाइंग दिस फेस मास्क एंड लेट इट पार्शली ड्राई। जब ये पार्शली ड्राई होगा, 60-70% ड्राई होगा, तो हम रोज़ वाटर से एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा जेल से, कच्चे दूध से या दही से इसको रिमूव करके मसाज करते हुए जेंटली फिंगर टिप्स से हम रिमूव करेंगे एंड वॉश योर फेस विद नॉर्मल वाटर। तो फिर मैंने ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लिया है एंड यू कैन सी रिजल्ट ऑन माय फेस। मेरी स्किन काफ़ी स्मूथ हो गई है, काफ़ी सॉफ्ट हो गई है और एक बार लगाने से मेरी स्किन काफ़ी लाइटन हो गई है। इसे आप रेगुलर लगा सकते हैं या वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक लगा सकते हैं। जब भी आपको अपनी स्किन डल लगे तो आप इसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप जो कच्चा दूध होता है वो डाल सकते हैं। वैसे तो मिल्क पाउडर बहुत इजीली मिल जाता है, हर किसी शॉप पे मिल जाता है, 5-10 रुपए का मिल जाता है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल होता है। एवरीडे का आता है, अमूल का आता है या कोई भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं, नेस्ले वगैरह का। और मैंने इसमें डाला था राइस पाउडर यानी कि चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को मिक्सी में पीस ले या आपको दरदरा पीसना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दरदरा यूज़ किया है। आप चाहे तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने फेस की स्क्रबिंग करती है तो थोड़ा सा दरदरा करें, अगर आपको फाइन चाहिए तो आपको थोड़ा फाइन पाउडर कर लें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप बिल्कुल फाइन पाउडर ही यूज़ करें। वैसे तो मार्केट में चावल का आटा 20-30 रुपये का काफ़ी अच्छा आता है, आधा किलो आ जाता है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आ जाता है। और मैंने यूज़ किया था टमाटर का जूस मैंने इसमें लिया था। टमाटर बहुत ही अच्छा होता है, हमारी स्किन के टैनिंग को रिमूव करता है। अगर आपकी स्किन पे टैनिंग है, डार्क स्पॉट्स है, तो बहुत ही अच्छा होता है, हमारी स्किन को लाइटन करता है क्योंकि इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है। और जो मिल्क होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारी स्किन को वाइटन एंड ब्राइटन करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे पहले भी मैंने आपसे एक स्किन व्हाइटनिंग होम रेमेडी शेयर की थी जो कि मैंने रॉ मिल्क से की थी। आप उसको लगाने से पहले इससे अपने फेस की क्लीनिंग कर सकते हैं। और जो चावल का आटा होता है तो बहुत ही अच्छा होता है स्किन को फेयर बनाने में, क्योंकि बहुत सारी कोरियन गर्ल्स या जापानीज गर्ल्स चावल का आटे से ही मास्क जो बना अपना लगाती है, सीरम लगाती है चावल का, राइस सीरम, और चावल के जो आटे से फेस पैक जो है, फेस पैक लगाती है चावल के आटे का। और जो चावल के पानी होते हैं जिसको हम मांड बोलते हैं,
वो भी बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए। मैं जल्दी वो भी शेयर करूंगी, क्योंकि जो नॉर्मली चावल का पानी होता है हम नॉर्मली फेंक देते हैं, पर उसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं। वो एक तरह से एंटी एजिंग का काम करता है और वो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो कोरियन सीक्रेट्स क्या होता है, बहुत सारी कोरियन ब्यूटी जो है बहुत ही आजकल ट्रेंड में है, क्योंकि कोरियन जो होती है गर्ल्स वो 50 साल की उम्र में भी उनके किसी भी अपने उनके फेस पे किसी अगर रिंकल्स नहीं होते, वो काफी यंग लगती हैं, तो वो इसलिए ही सब यूज करती हैं। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस होम रेमेडी को। तो फ्रेंड आई होप आपको आज का जो है स्किन वाइटनिंग होम रेमेडी पसंद आया होगा, कि ग्लोइंग एंड मिल्की व्हाइट स्किन हम कैसे पा सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा इसे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं अपने चैनल पर बहुत ही सारे और भी ब्यूटी से रिलेटेड, मतलब जो हम हाउस वाइफ वगैरह होती हैं, जो घर में होती हैं, तो उन्हें बहुत सारे किचन के काम होते हैं, बहुत खुद को मेंटेन करना भी होता है, बहुत सारे घर के काम छोटे मोटे करने होते हैं। तो मैं बहुत सारे क्लींजिंग प्रोडक्ट लाऊंगी जो हम हमारे जो घर में सफाई करने के होते हैं, क्योंकि मेरा भी आधा टाइम जो है सफाई करने में निकल जाता है। तो मैं वीडियो के बाद ज़्यादातर अपनी सफाई वगैरह पे ही सारा क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग पे ध्यान देती हूँ। तो मैं बहुत सारे घर के ही क्लींजिंग प्रोडक्ट्स लाऊंगी जो आप घर पे ही इजिली बना सकते हैं। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं। और मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेस लाऊंगी स्पेशली फॉर वुमेन जो कि घर पे बाहर जिम नहीं जा पाती है, उनके आसपास कोई जिम नहीं होता या जिम में वो हेजिटेट फील करती है एक्सरसाइज करना, तो मैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज लाऊंगी। और साथ ही साथ मैं बहुत सारे डाइट प्लान्स भी लाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि वेट लॉस के लिए कुछ बताओ, डाइट के लिए कुछ बताओ, तो मैं उसके लिए भी ज़रूर लाऊंगी, जो वेजिटेरियन है वो और जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी। सो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मिलती हूँ मैं किसी नई होम रेमेडी, किसी नए DIY के साथ। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।